शांतिपूर्वक ढंग से अगर आंदोलन होगा तो ठीक है, नहीं तो पत्थरबाज जहां भी होंगे। देखिए ये बुलडोजर है। अच्छा, ये बुलडोजर, बुलडोजर साथ लेके घूमते हैं। ये बुलडोजर जो है, देखिए ये शांति का प्रतीक भी है। मगर मेरे को एक बात बताइए, अगर आप कोई गलत काम करेंगे, अगर आप पत्थर मारेंगे, आप ट्रेनें चलाएंगे, और अगर ये देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ योगी का बुलडोजर, अच्छा ये योगी का बुलडोजर नहीं, ये जेसीबी का है, टाटा का है, एस का है, हिटाची का है, मगर इसको जो है योगी का बुलडोजर बता दिया है। अगर ये बुलडोजर आपके घर की तरफ दिशा बदल ले तो फिर विपक्ष वालों की छातियों पे बुलडोजर चलेगा, उनकी पीठ पे बुलडोजर चलेगा। कुछ लोगों को बुलडोजर की नीतियों से दिक्कत है। अच्छा। कि बुलडोजर, अरे बुलडोजर पत्थरबाजों के घर में चल रहा है, मगर ये कह रहे हैं हाय बुलडोजर चल रहा है, आपके ऊपर शान हो रहे हो, हाय बुलडोजर चल रहा है, आपको क्या दिक्कत है? अवैध कब्जे पे चल रहा है, पत्थरबाजों के चल रहा है, अपराधियों के चल रहा है, विकास दुबे के यहाँ चला है, तो आपको किस चीज में दिक्कत है? अगर पत्थरबाजी करेंगे, गैर संवैधानिक काम करेंगे, चाहे वो किसी भी जात मजहब का हो, तो बुलडोजर उसके घर पे भी चलेगा। ये बुलडोजर देखने के बाद कुछ लोगों के कमेंट्स आएंगे, ये बुलडोजर देखने के बाद कुछ, भैया हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, इसी देश में दो दो साल सड़कें ब्लॉक करी गई है, उसी सड़कों में डीजे लगे रहे हैं, उसी सड़कों में लोग चाय पी रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, तो मेरी मर्जी, मैं कनॉट प्लेस में बैठा हूँ, अभिव्यक्ति की आजादी है, इसी देश में नारे लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, तब ये लोग कहाँ थे? तो बुलडोजर चलेगा, आगे से भी चलेगा, पीछे से भी चलेगा, और हर तरफ चलेगा। बिल्कुल गलत है ये चीजें कि आप उनके ऊपर स्याही भी फेंक रहे हैं। देखिए ये अच्छी बात नहीं है, जैसे ही वो अच्छी बात नहीं है, वो विपक्ष की रणनीति है, इन लोगों ने बोला, इनको इतना बुरा लग गया तो पत्थरबाजी भी अच्छी बात नहीं है डकैत जी। तो भाई साहब, सारे खेल में हुआ क्या है? जगह जगह आग लग रही है, ट्रेनें टूट रही हैं, सड़कों पर लोग उतर गए हैं, राकेश टिकैत भी अब आ गए हैं कि आंदोलन होगा, तो उसी पर बातचीत करने के लिए दीपक शर्मा हमारे साथ हैं। शर्मा जी, राकेश टिकैत फिर से आ गए हैं मार्केट में, कह रहे हैं कि आंदोलन होगा, या तो सरकार मान जाए, नहीं तो ये बच्चे हमारे ही हैं, किसानों के बच्चे हैं जो सब आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, ठेकेदारी पर जाने नहीं देंगे आर्मी को। देखिए अब ये डकैत जी के बारे में तो मैंने पहले भी देखा था कि उनके भाई से कुछ विवाद चल रहा था, और जिस संगठन के साथ वो जुड़े थे, उस संगठन के भी अब दो पार्ट बन गए हैं। तो पहले तो मैं कहूँगा कि आपको मीडिया चैनल के माध्यम से आप जाके उनके भाई साहब का भी इंटरव्यू लीजिए कि आपके दो पार्ट क्यों हुए हैं, युवाओं के बारे में भी बिल्कुल सोचना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि अगर युवा देश में बेरोजगार है, और अगर बेरोजगार युवाओं के लिए कोई भर्ती निकाली जा रही है, और वो भर्ती अभी हुई भी नहीं है, किसी को रोजगार अभी मिला नहीं है, अभी ये शुरुआत करी है इन्होंने, एक क्या कहते हैं अग्निपथ नाम की जो इन्होंने इंडियन आर्मी का ये जो एक इन्होंने चलाई है मुहिम, इस मुहिम में इन्होंने पहले ही इतने कीड़े निकाल दिए, क्योंकि ये मोदी सरकार के समय में चालू हो रही है। अगर इस तरीके से देश का माहौल चलाया जाएगा, अगर युवा हाथ में पत्थर लेकर ट्रेनें जलाएगा, आप एक बात बताइए कि बेरोजगार आदमी अगर बुलडोजर को ये बताते हैं असंवैधानिक, तो क्या पत्थर चलाना जो है वो संवैधानिक है? पत्थर का मतलब क्या है? पत्थर का मतलब है किसी का भी फ्यूचर ख़राब है, और उसके बाद उसकी सरकारी नौकरी तो छोड़िए, प्राइवेट भी नहीं लगनी है, क्योंकि अगर वो विकलांग हो जाता है, उसकी आँख फूट जाती है, नाक फूट जाता है, या उसके साथ कोई भी ऐसी घटना हो जाती है, तो उसका पूरा फ्यूचर जो है वो ख़त्म है। डकैत जी तो देखिए राजनीति करते करते टिकैत, भाई साहब डकैत नहीं, देखिए टिकैत, देखिए मैं डकैत जी के एज के हिसाब से उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मगर उन्होंने जो भाषा की मर्यादा जो खत्म करी हुई थी, कभी वो कहते हैं देखिए जी बक्कल तार देंगे कोको कोको, आपको पालू में भी उनके साथ मेरी सद्भावनाएं, इतने सीरियस मैटर में उनके साथ हुआ बड़ा गलत। उनके साथ वो एक शहर में गए थे, वहाँ कुछ लोगों ने उनको ऐसे ऐसे करके, आज माइक नहीं लेकर आया आप लोग, मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, जो एक सूबे के उप मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री है, वो तो अपने पिताजी से माइक छीन लेते हैं, उनसे तो माइक पकड़ के ही मार दिया माइक ऐसे। मुझे बड़ा दुख लगा है डकैत जी के बारे में ऐसा जो हुआ है। और दूसरी बात ये है, फिर उसके बाद वहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, एक व्यक्ति ने, बहुत गलत बात है, एक बुजुर्ग आदमी के साथ आप ऐसा काम कर रहे हैं जो जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर बैठता है, गलत बात है ना भाई साहब? ये बिल्कुल गलत है ये चीज़ें कि आप उनके ऊपर स्याही भी फेंक रहे हैं। देखिए ये अच्छी बात नहीं है, जैसे ही वो अच्छी बात नहीं है, वो विपक्ष की रणनीति है, इन लोगों ने बोला, इनको इतना बुरा लग गया तो पत्थरबाजी भी अच्छी बात नहीं है डकैत जी। देखिए टकैत जी बोल रहा हूँ मैं, अच्छा। आप मुझे जो है ना उकसा रहे हैं, उकसा आपका कैमरा, आपका आप, मैं देखिए मैं इतना मुद्दे में इतना सीरियस हूँ, आज मैं बिहार में कुछ बच्चे जो हैं वो रास्ते में फंस गए, स्कूली बच्चे, आप उन बच्चों से पूछिए कि उनका इन आंदोलन से क्या लेना देना है, जो 10-10, 12-12 साल के बच्चे हैं जिनकी बसों में पत्थर फेंका जा रहा है, ये वो युवा है जो आर्मी की भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अरे आपको अगर 1% नहीं समझ में आ रहा है तो आप मत करिए अप्लाई, मैं एक बात कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, सीडीएस का एग्जाम दीजिए, अपना दिल्ली सरकार की जो नीति है उसमें एग्जाम दीजिए, यूपी सरकार की जो नीति है उसमें एग्जाम दीजिए, मगर जो देना चाहते हैं
छोटी मोटी इसमें अमेंडमेंट होने हैं तो क्या आप पत्थर उठा के पत्थर मारना शुरू कर दोगे? आप पत्थर मार मार के अब ये दिखाना चाहते हैं कि अगर हमारे को किसी भी चीज़ में जीत नहीं मिलेगी तो हम ट्रेनें भी चिन्हित करके जला रहे हैं कि जलानी भी एसी वाली है। मतलब नुकसान करना है तो सरकार का महंगा वाला नुकसान करना है, और वहाँ लूटपाट चल रही है। आपको मालूम है बिहार में जितने भी स्टेशनों में आगजनी हुई है वहाँ पहले दुकानों को लूटा गया है, उसके बाद मैं नहीं मानता ये बरगलाए हुए वो बंदे हैं जो विपक्ष द्वारा भेजे गए हैं। जो आर्मी में जाना चाहता है वो कभी भी लूटपाट नहीं करेगा, वो सक्षम घर का होता है, वो एक सच्चा देशभक्त होता है। लूटपाट में कभी वो व्यक्ति विश्वास ही रखता है क्योंकि वो क्रांतिकारी व्यक्ति होता है, वो शहीद भगत सिंह की सोच में चलता है। लूटपाट कैसे हो रही है आप बताइए, या तो आप इसे धरना प्रदर्शन कहिए, या तो विरोध प्रदर्शन कहिए, और या फिर लूटपाट प्रदर्शन कहिए। आप जाके देखिए लूटपाट हो रही है जगह जगह, मैं नहीं कह रहा हूँ, जगह जगह लूटा जा रहा है, उसके बाद दुकानों को फूका जा रहा है। ये कौन सा तरीका हुआ आप बताइए, अपनी बातें रखेंगे आप? नहीं, ये भी सरकार का कौन सा तरीका हुआ कि 370 लाए वो नहीं समझा पाए, CA NRC लाए वो नहीं समझा पाए, सुनिए किसान बिल लेके आए वो नहीं समझा पाए, उसके बाद अग्निपथ लेके आए वो नहीं समझा पाए, ये कुछ भी समझा नहीं पा रहे हैं, समझाना नहीं चाहते हैं, क्या है मामला क्या है? जब आप समझना ही नहीं चाहेंगे किसी बात को तो आपको कौन समझाएगा? अगर आज की डेट में आपका पिताजी या हमारे पिताजी या किसी का पिताजी घर में कोई चीज समझा रहा है अपने बेटे को और वो अगर सुनना ही नहीं चाहेगा, देखिए ये देश हमारा पूरा परिवार है और हमारे ऊपर जैसे प्रधानमंत्री, तो हमारे लिए वो अच्छा सोच रहा है। अगर किसान बिल में उनको कुछ खामियां लगी और उनको लगा कि जी किसान मेरी बात से संतुष्ट नहीं है, तो उसे झुकाव नहीं कहते हैं, उसे ये कहते हैं कि किसान जो है जो मतलब फसल उगाता है, जो समझ लीजिए हमारे को अन्न दे रहा है, उसकी बात को माना जाएगा। सही है गलत अब किसान देखेंगे, बाद में कोई दिक्कत आएगी तो उन्होंने मना भी नहीं करा किसानों से मिलने को। मगर ये जो अग्निपथ की आड़ में अब बेरोजगारी का मुद्दा खत्म कर दिया इन्होंने, अरे भैया रोजगार के लिए ही तो लाए हैं ये, और काहे के लिए लाए हैं? आज आप देखिए 16-17 साल की उम्र में युवा जो है वो कितना भटका हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली में आपको पता है 21 साल की उम्र में दारू मिलती है, 21 साल वाला लाके 16 साल वाले को दारू देता है या 17 साल वाले को देता है, सड़कों पे लड़के घूमते हैं, चरस गांजा अफीम स्मैक पी रहे हैं। अगर इनको 4 साल मिल रहा है एडमिन में पढ़ाई करते करते में एक क्या कहते हैं आपको आगे बढ़ने का और क्रांतिकारी बनने का, आर्मी मैन बनने का, तो उसके बाद इनको 4 साल बाद की पड़ी है। अरे भैया 4 साल बाद में 25-30% लोगों को पक्का करा जाएगा, उसके बाद IDBP में राज्य सरकार की जितनी योजनाएँ होती हैं उसमें उन्होंने अमेंडमेंट कर दी है कि आपको रोजगार मिलेगा। और उसके बाद मेरे भाई मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ अपने युवा भाइयों से, क्योंकि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, आप भी एक हिंदुस्तानी है, ये हमारा पूरा परिवार है, कोई जातिवाद वाली राजनीति नहीं है। 4 साल बाद भी आपका कोई भविष्य खराब नहीं हो जाएगा क्योंकि आप केवल 21 और 22 साल के हो गए, आपके पास एक सुनहरा भविष्य होगा कि आप एक ऐसी क्लास लेकर आए हो जो वर्ल्ड में सबसे बढ़िया क्लास होती है। बोले कौन सी? बोले इंडियन आर्मी से। आप वहाँ पर रूल और रेगुलेशन सीख कर आ रहे हो, उसके बाद आपको वो पैसे दे रहे हैं, कोई आसान नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आपको 11 लाख रुपए के आसपास दोएंगे वो। अगर आपका नौकरी करने का मन नहीं है तो आप उन 11 लाख रुपए में से अपना रोज अपना बिजनेस करिए, आप अपने फ्यूचर के लिए सेव करिए, अपने माता पिता के लिए अपनी पढ़ाई करिए, अपनी स्टडी करिए, स्पोर्ट्स में जाइए। और भाई मेरे 21 साल की तो कोई सरकारी उम्र की एज ही नहीं है कि एज खत्म हो जाएगी 21 साल में, 21 में नहीं तो आप 22 में अप्लाई करिए। और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत रोज़गार है, आज आप जाके देखेंगे तो सरकारी नौकरी से ज़्यादा रोजगार सैलरी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है। क्यों? कि जो जैसा देखिए जितना परिश्रम करता है उतना उसको जो है सैलरी मिलती है। तो ये जो जगह जगह जाके पत्थरबाजी कर रहे हैं इस बात का, मैं इसीलिए जो इस बात से अग्निपथ से जोड़ रहा हूँ कि 4 साल में अगर उसको वो 30,000-28,000 रुपये महीना देने के बाद और एक मुश्त 11 लाख रुपये भी देते हैं रिटायर होने के बाद, तो उसका भविष्य उसमें सेफ है। मगर ये जो पत्थर ले लेके आप सड़कों में घूम रहे हो, क्या उनको रोजगार मिलेगा? 260 लोग आज जो उत्तर प्रदेश में पकड़े गए हैं, क्या उनको रोजगार मिलेगा? अब ये जाति की राजनीति करनी शुरू कर देंगे, फिर ये उसमें छटनी करेंगे कि हिंदू कितने पकड़े गए, मुस्लिम कितने पकड़े गए, कुछ कपड़े बदल बदल के आ रहे हैं इसमें। अच्छा, जो हिंदू मुस्लिम की आग लगाना चाहते हैं। क्यों? देखिए जब बुलडोजर इनको असंवैधानिक लगता है, आप कोर्ट जाइए, तो पत्थर कौन सा संवैधानिक है? जो देश में संविधान चलता है, अगर ये मुद्दा देश में कहीं भी चल रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, ये वहीं क्यों चल रहा है? मुझे एक बात बताइए, 270 लड़के आज पकड़े गए हैं, उसके पकड़ने के बाद भी जो ये विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं, अभी व्हाट्सएप ग्रुप चैट इनका पकड़ा गया है, इनका ग्रुप एडमिन भी पकड़ा जाएगा। जैसे ही देखते हैं कोई मोदी जी ने योजना लगाई, तुरंत ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बनाने के बाद पूरे में वायरल कर देते हैं। भैया बहुत जल्दी चिन्हित होंगे, जो गलत करेगा वो गलत भुगतेगा, कोई हिंदू मुस्लिम वाली, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली लड़ाई नहीं है इसमें। अब मोदी जी की नीतियों में इनको दिक्कत है तो मोदी जी का विरोध करने का एक नया बहाना मिल गया इनको। नहीं, वो तो कह रहे हैं टिकैत साहब, कह रहे हैं कि भैया देखो जो बच्चा 21 साल का भर्ती होगा, 17 से 21 साल की उम्र तक के भर्ती हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। 21 का भर्ती हुआ, 25 में रिटायर कर दिया,
25 में रिटायर होके आ गया, तो 25 के बाद क्या वो दोबारा नई सिरे से दूसरी किसी परीक्षा की तैयारी करेगा भैया? फिर उसके बाद वो भर्ती होगा, दो तीन साल तैयारी में लग जाते हैं भैया, दो तीन साल कहीं नहीं लगते। शर्मा जी सुनो सुनो, पूरी बात सुनिए। अब जब भी कोई आप तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ की, हर एक का सिलेबस अलग होता है, आर्मी का अलग है, एसएससी का अलग है, हरियाणा। मैं आपकी बात काटना चाहता हूं, तो आप जबरदस्ती थोड़ी है, आपकी अगर इच्छा है तो आप इसमें जाइए ना डिफेंस में, उसके बाद ऑप्शन है कि आपको आईडीपी में लिया जाएगा, आपको रिजर्व फोर्स में लिया जाएगा, आपको राज्य सरकार द्वारा जो पुलिस की भर्ती होगी उसमें लिया जाएगा। देखिए 140 करोड़ की आबादी है, मुद्दा जो है जनसंख्या भी है इस देश में, और 140 करोड़ की आबादी 2013-14 में रही है, अगर आप देखेंगे सर्वे उठा के, या 12 में रही है, आज अगर आप आबादी देखेंगे तो 160-170 करोड़ पहुंच चुकी होगी। तो सरकारी नौकरी कितनों को देगी गवर्नमेंट? अगर कोई मुहिम चला रही है तो उनको चलाने तो दीजिए, उनको काम तो करने दीजिए ना। तो 2024 कितनी दूर है? आपको गलत और सही लगेगा तो आप इलेक्शन में वोट मत दीजिएगा, और अगर गलती से जीत गए तो ये विपक्ष वाले कहेंगे फिर ईवीएम हैक हो गया। अच्छा, इनका तो यही है, कभी कहते ईवीएम हैक हो गया, कभी कहते दिमाग हैक हो गया युवाओं का। अब हार्दिक पटेल आए हैं बीजेपी में, ये इनकी नीति तो देखकर आए हैं। क्यों आए? जाखड़ साहब आए हैं। जाखड़ साहब ने 35 से 40 साल, हम उनकी इज्जत करते हैं, 35 से 40 साल उन्होंने पंजाब की सेवा करी है, देश की सेवा करी है, वो मोदी जी की नीतियों को देख के ही तो यहाँ पर आए हैं। उन्होंने बोला जी राष्ट्र की नीति है, देश हित की नीति है, और ये जो काम कर रहे हैं ये अच्छा कर रहे हैं। अगर इतने बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं सूबे के, तो इनको उसमें ऐसा क्या बुराई दिख रही है? आप बात को अपनी जाके सरकार के आगे रखिए। मगर जिस तरीके से आप माहौल ख़राब कर रहे हैं, लड़कों को सड़कों पे ला रहे हैं, पत्थरबाजी करवा रहे हैं, शोर शराबा करवा रहे हैं, ट्रेनें जलवा रहे हैं, लूटपाट करवा रहे हैं, विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, नाम तो हम किसी का ले नहीं रहे हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप बना बना के लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, भड़का रहे हैं कि मैं युवाओं के साथ हूँ। कुछ ट्रेनिंग स्कूल वाले भी पाए गए हैं जिन्होंने बोला है कि आप अपना जो एग्रेशन है वो सड़कों पे निकालिए। इसका क्या मतलब है? एग्रेशन का मतलब होता है कि आप गुस्सा निकालिए, और गुस्सा कैसे निकाला जाता है? गेंदे की माला से। भैया आप बताइए, गेंदे की माला से गुस्सा निकाला जाता है? अरे अगर इसी चीज़ को आप जाके किसी के घर के बाहर बैठ के शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात बताएंगे तो भी सुनी जाइए, मगर आप सीधा जाके जैसे ही मैंने कहा भैया पानी दोगे, बोले नहीं दूंगा, धार से आपके मुँह पत्थर मार दूँ, तो भाई ये क्या मतलब हुआ? आप बेरोजगार हैं, आपको रोजगार चाहिए, हम आपके साथ हैं, मगर जो जो भी भारत की सरकार की नीतियाँ गलत है उसका शांतिपूर्वक ढंग से आप करो ना। अब आपको बताइए, ये जो रेलवे बंद हो रही है जगह जगह, इसमें जो है रोजगार बढ़ेगा या घटेगा? सीधी सी बात है, रोजगार घटेगा जब टूरिस्ट नहीं आएंगे, ये लोग आएंगे नहीं, को जाएंगे नहीं, बिहार का नाम बदनाम हो रहा है जगह जगह, क्यों नहीं हो रहा है? पहले आपको मालूम है कि पहले ही लोग बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा काम धंधे से परेशान हुए पड़े हैं, मगर और नाम खराब होगा युवाओं का। भैया पुलिस इंक्वायरी प्राइवेट में भी होती है, सरकारी में भी होती है, अब जितने भी लोग थाने जाएंगे सब चिन्हित हो जाएंगे, फिर बुलडोजर चलेगा तो फिर लोग कहेंगे जी कि पत्थरबाजों पे बुलडोजर को चला रहा है, ये मासूम है। अरे मासूम ही पत्थरबाजी करते हैं क्या? ये तो सिर्फ इनको टारगेट करा जा रहा है, वो भाई भी बेचारे जो है मारे जा रहे हैं। टिकैत साहब ने दे दिया अल्टीमेटम भैया, कह रहे हैं कि 30 जून तक मान जाइएगा, नहीं माने तो फिर होगा आंदोलन, मैं बता रहा हूँ। देखिए मुझे इतना टिकैत साहब का आंदोलन आप जानते, 11 महीने यहाँ पर चला था। देखिए टिकैत साहब का आंदोलन चला था, मगर उनके भाई साहब के साथ भी एक बार मोदी सरकार को बात करनी चाहिए कि वो जो आंदोलन चला था वो आंदोलन में किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन की आड़ में इन्होंने बहुत से काम भी ऐसे करे हैं जो अच्छे नहीं है। भाषा की मर्यादा, कोशिश करी थी माहौल ख़राब करने की, कई बार माहौल ख़राब भी हुआ है। अब मैं कैमरे के माध्यम से मुद्दा नहीं भटकाना चाहूँगा, नहीं तो ये लोग कहेंगे भाई साहब मुद्दा भटका रहे हैं अग्निपथ से। ये आके फिर अब युवाओं को बरगलाएंगे। अगर शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन होगा, एक बार थैला उठाओ, शांतिपूर्वक ढंग से अगर आंदोलन होगा तो ठीक है, नहीं तो पत्थरबाज जहाँ भी होंगे। देखिए ये बुलडोजर है, अच्छा ये बुलडोजर, बुलडोजर साथ लेके घूमते हैं, ये बुलडोजर जो है देखिए ये शांति का प्रतीक भी है। मगर मेरे को एक बात बताइए, अगर आप कोई गलत काम करेंगे, अगर आप पत्थर मारेंगे, आप ट्रेनें जलाएंगे, और अगर ये देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ योगी का बुलडोजर, अच्छा ये योगी का बुलडोजर नहीं, ये जेसीबी का है, टाटा का है, एस का है, हिटाची का है, मगर इसको जो है योगी का बुलडोजर बता दिया है। अगर ये बुलडोजर आपके घर की तरफ दिशा बदल ले तो फिर विपक्ष वालों की छातियों पे बुलडोजर चलेगा, उनकी पीठ पे बुलडोजर चलेगा। आपको मालूम है बुलडोजर की सेल बढ़ गई है, रोजगार मिल रहा है लोगों को। अच्छा, मैं बुलडोजर वाले भाई के पास गया, मैंने कहा भाई क्या चक्कर है आजकल बुलडोजर दुकानों में बहुत कम दिख रहा है? कह रहा भाई साहब 10-12 बुलडोजर रोड टांगता हूँ, बच्चों के लिए लोग लेके चले जाते हैं। अच्छा। बोले क्यों? बोले बेटा गलत काम करोगे तो बुलडोजर चलेगा। अच्छा। मैंने कहा शुरुआत कहाँ से हुई? बोले उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो गई इसकी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात होते होते दिल्ली आ गया। कुछ लोगों को बुलडोजर की नीतियों से दिक्कत है कि बुलडोजर, अरे बुलडोजर पत्थरबाजों के घर में चल रहा है, मगर ये कह रहे हैं हाय बुलडोजर चल रहा है, आपके ऊपर परेशान हो रहे हो हाय बुलडोजर चल रहा है, आपको क्या दिक्कत है? अवैध कब्जे पे चल रहा है, पत्थरबाजों के चल रहा है, अपराधियों के चल रहा है, विकास दुबे के यहाँ चला है, तो आपको किस चीज में दिक्कत है? अगर पत्थरबाजी करेंगे, गैर संवैधानिक काम करेंगे, चाहे वो किसी भी जात मजहब का हो, तो बुलडोजर उसके घर पे भी चलेगा। और अगर
बुलडोजर असंवैधानिक है तो आप कोर्ट में केस करिए। पत्थरबाजी और आगजनी भी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना राजद्रोह और देशद्रोह का मुकदमा लगता है। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का एक्ट सुनेंगे तो ये हिल जाएंगे। तो इनके घर में बुलडोजर नहीं चलेगा तो क्या गेंदे की बाला लेके जाएगा ये सूबे का जो मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री जो है? ये बुलडोजर देखने के बाद कुछ लोगों के कमेंट्स आएंगे, ये बुलडोजर देखने के बाद कुछ, भैया हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, इसी देश में दो दो साल सड़कें ब्लॉक करी गई है, उसी सड़कों में डीजे लगे रहे हैं, उसी सड़कों में लोग चाय पी रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, तो मेरी मर्जी, मैं कनॉट प्लेस में बैठा हूँ, अभिव्यक्ति की आजादी है, इसी देश में नारे लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, तब ये लोग कहाँ थे? तो बुलडोजर चलेगा, आगे से भी चलेगा, पीछे से भी चलेगा और हर तरफ चलेगा, और बुरा उनको लगेगा, कमेंट्स के माध्यम से बता देंगे। जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, अच्छा, और मैं तो खरीद के लाया हूँ, मैं तो बच्चों को, गरीब बच्चों को भी बांट रहा हूँ, कुछ झुग्गी के बच्चे सड़कों किनारे वो बुलडोजर से खेल रहे हैं, अच्छा, बोले बेटा, मैंने, मेरे से कह रहे हैं कि भैया ये बुलडोजर आप क्यों लेकर आए हो? मैंने कहा बेटा जो देश हित में काम करेगा ना वो बुलडोजर के साथ खड़ा होगा, वो SDM बनेगा, पुलिस वाला बनेगा, एडमिन अफसर बनेगा। और बोले चलेगा किसके यहाँ? मैंने कहा जो पत्थर चलाएगा, जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होगा उसके घर चलेगा। सबके घर नहीं चलेगा भाई साहब, अवैध कब्जा करोगे तो बुलडोजर चलेगा, तो दिक्कत क्या है? ये बुलडोजर भी रंग पहचानता है क्या भाई साहब? देखिए बुलडोजर रंग नहीं पहचानता है, रंग इन्होंने बांट दिए हैं। देखिए इन्होंने क्या है कि रंग बांट दिए हैं खुद। अभी ये जो चल रहा है प्रदर्शन, इस प्रदर्शन से भी छटनी करेंगे, छटनी करने के बाद इसको सांप्रदायिक रंग लाएंगे। अच्छा, सांप्रदायिक रंग का तो कोई मैटर ही नहीं है, चाहे कोई कपड़ा बदले चाहे कोई कुछ भी बदले, जो गलत होगा उसको गलत बोला जाएगा। मगर इतना जरूर है कि ये युवाओं को भड़का भड़का के राज्यों को नाम बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक राज्य और एक उस राज्य का युवा जो है वो बदनाम होता है, उसको रोजगार में आगे दिक्कत आएगी अगर उसके हाथ में पत्थर होगा और आगजनी करेगा वो। क्योंकि देखिए अगर किसी और राज्य में वो जाता है रोजगार मांगने ना, तो वो नेगेटिविटी होती है। शर्मा जी देखिए, जब ये बुलडोजर जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी होती है तो ये चलता है, और उसके बाद सहारनपुर की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें थाने के अंदर पीटा जा रहा है लोगों को, उसके बाद जब वाराणसी में दोबारा से इस तरह की हरकत हुई तो पुलिस वाले कहते हैं अपने बच्चे समझा लेंगे, ये फर्क क्या है? ये मेरी बात सुनिए, जिनको पीटा जा रहा था वो वीडियो की अभी तक सबसे बड़ी बात है, वो वीडियो वायरल होगी, इस देश में तरह तरह की वीडियो वायरल होती है, उस वीडियो की जांच करी जाए कि किस विषय में मारा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है उनको, और तथ्य क्या है, क्या पता उन्होंने क्या घटना ऐसी करी हो, सबसे बड़ी बात है। मारना मानवाधिकार संगठन के खिलाफ है कि आप किसी को मार नहीं सकते ऐसे खुले में, और अगर मारा है तो उनका अपराध देखा जाए। मैं उस विषय में इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं आज की डेट में किसी भी बात पे विश्वास नहीं करता, आंखों देखी और कानों सुनी बात पे मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि यहां जगह जगह जो है अफवाहें भी फैल रही है। भैया अफवाहों में मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ, आगे मैं बोलूंगा नहीं तो वो ऐड बन जाएगा, लोग चिढ़ जाएंगे, लोग कहेंगे भैया ये ऐड लेता है। अच्छा, आपको भी पता है आप भी कभी कभी पीते होगे, कोल्ड ड्रिंक होती है वो, कोई ऐसी चीज नहीं है। तो इस देश में अगर कोई न्याय का प्रतीक है, अगर किसी का संविधानिक तौर पर चल रहा है, और अगर असंवैधानिक है, तो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यही है, आप जाके याचिका लगाइए और उसको रोकिए। मगर अपने बच्चों को भी समझाइए कि बच्चों आप पत्थर ना उठाइए, कोई भी असंवैधानिक काम ना करिए, और कहीं भी अवैध कब्जा ना करिए। अगर आप अवैध कब्जा करेंगे तो बुलडोजर तो चलेगा, मगर ये बुलडोजर योगी का नहीं है। मैं दोबारा बताना चाहूंगा भैया, ये बुलडोजर योगी का नहीं है, ये बुलडोजर महाराष्ट्र में भी चल सकता है, ये बुलडोजर जो है छत्तीसगढ़ में भी चल सकता है, और गलती से किसी और राज्य में चल गया तो फिर ये मत कहिएगा कि उसके साथ भी अन्याय हुआ है। बुलडोजर हर राज्य में चल रहा है, और इसके अंदर जो बंदा बैठा होता है ना, या ड्राइवर सीट में, उसको भी रोजगार मिलता है भाई साहब। मैं बताऊँ, यहाँ बैठता है वो स्टीयरिंग पकड़ के, उसको भी रोजगार मिलता है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है भाई साहब कि माहौल शांत रखिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए, रोजगार का मुद्दा है, रोजगार के लिए आप अप्लाई करवाइए, मगर साथ के साथ जिस तरीके से युवाओं को भड़का के माहौल ख़राब करा जा रहा है, सड़कों पर आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इससे लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। अपनी मांगे रखें, मांगे रखने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, मगर जिस तरीके से माहौल ख़राब करके लोगों को भगलाया जा रहा है वो माहौल ख़राब ना करें। देश में संविधान चल रहा है, देश में क्रांतिकारी लोह पुरुष की सोच चल रही है। अगर आप चाहते हैं अग्निपथ में क्या कहते हैं अपने आप को जोड़ना, भारत सरकार की इंडियन आर्मी की जो चली है ये, आप इसमें जुड़िए। नहीं चाहते हैं तो और बहुत सी भर्ती हैं, आप उसमें जुड़िए, मगर माहौल मत खराब करिए। सड़कों पर आकर टायर जलाना, जगह जगह तोड़फोड़ करना और टारगेट करना, ये गलत है। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि माहौल शांत रखिए, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा लेकर आइए। अब आप लोग विपक्ष वाले मुद्दा भटका रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास कोई नया मुद्दा नहीं है। जय श्री राम, जय हिंद। चलिएगा, ये शर्मा जी ने अपनी बात कही, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिएगा। तमाम तरह के व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन कर रखे हैं तो अभी के अभी मैं कहूँगा लेफ्ट कर दीजिएगा कुछ दिन के लिए, क्योंकि पता नहीं है भैया किसकी धारा किस पर लग जाए, किसके घर बुलडोजर चल जाए, फिर मुश्किल हो जाती है। अब तक लेते हैं, मैं अनुरोध शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।